بسم الله الرحمن الرحيم. अभी यहाँ पर गलती बाकी है। नून का नुक्ता यहाँ आएगा, काफ छोटा हो गया, रा छोटा हो गया, जा। अभी लफ्ज आपके ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देखें ये मिल गया आपस में, यहाँ बेहतर है। अभी आपने ये आपकी आपने एक ही दफा ये मश्क की है या इसको बार बार लिखा है? सर एक ही दफा की। तो अभी आप खुद भी समझती हैं कि इसमें काम बाकी है अभी। यस सर। कौन? पे मेहनत कीजिए, माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन इसको तरतीब से लिखिए जरा। यहाँ अलिफ छूट गया, जैसे यहाँ था, ता के नुक्ते के ता के ऊपर आने चाहिए, और यहाँ का शोशा वाजे होना चाहिए। जमिया का जीन मीम बहुत ज्यादा मिल गया है, यहाँ बेहतर है। हम बहुत ज्यादा खुले खुले हो गए अल्फाज, ये अभी बहुत मश्क मांगते हैं। लफ्जों का एंगल देखें, इस तरफ जा रही हूँ। मैं अगेन आपको करके सेंड करूंगी। इसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, उस हवाले से मिस असमा ने काम किया है माशाल्लाह। बहुत अच्छी कोशिश। और ये ना बहुत बड़े बड़े अलिफ हो गए, 5 नुक्तों का हो गया, 5 नुक्तों का अलिफ, 4 नुक्तों का, ये 5 4 नुक्तों का, ये बहुत बड़ा हो गया। फा थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब नफ्स नहीं है, नफ्श लिखा आपने, शीन के नुक्ते हो गए। मुतमईन इस जोड़ को देखना है, इस जोड़ को देखना है, ये लाइन से या बहुत नीचे हो गया, ये रा भी बहुत नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर लग रहा है। बा का नुक्ता यहाँ आ जाता, और रौजिया के अंदर जात का शोशा है, या का शोशा गायब है, मरजिया में भी या का शोशा गायब है, दो शोशे आएंगे, रौजिया जात का भी और या का भी। ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और वदखुली जन्नती, ये भी अच्छा है माशाल्लाह। जबरदस्त खत भी अच्छा है, बस थोड़े साइजेस का और नेगेटिव स्पेसेस का मसला है, एंगल्स का। एंगल्स फिर भी अच्छे, लफ छोटे बड़े हो रहे हैं, कहीं कहीं बहुत बड़े हो रहे हैं, कहीं गैप ज्यादा आ रहा है, ऐसा है या नहीं है? मिस असमा क्या कहती हैं? जी सर। सर तो ये आपने कितनी दफा लिखने के बाद ये फाइनल किया है? पहली दफा पेन से बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद जो डायरेक्टली इसी से लिखा। डायरेक्ट एक दफा लिखा है ये, तो जी इसमें आपको क्या नजर आया कि मेरे किस किस काम पर सर जो है वो बहस करेंगे, बात करेंगे, गलतियां निकालेंगे? पता चला कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। नहीं, मुझसे इससे पहले, यानी मेरे चेक करने से पहले आपको क्या नजर आ रहा था अपने काम में? जब माल मैंने चेक किया अभी अभी थोड़ी देर पहले, ग्रुप में किसी का वो काम आया था, तो उसमें तामुदवर, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे तामुदवर होना चाहिए। मैंने तामुदवर नहीं लिखा कहाँ पर?
मुतमईना में। मुतमईना में ठीक है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ना इबादी में आपने बा अलिफ लिखा है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अब ये रस्म इस रस्म उस्मानी के मुखालिफ है, यानी जो कुरान करीम लिखने का तरीका राइज है उसके खिलाफ है। ये रस्म इमलाई कहलाता है। इमला यानी जो जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ा जा रहा है, वैसे पढ़ा जा रहा है वैसे लिखा जा रहा है। और इबादी, अब इबादी इस तरह लिखें कि वो एक रिवायत में है अब्दी अब्दी, अब अब्दी और इबादी एक ही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें सिर्फ खड़े जबर का फर्क होता है, उसको अलिफ के साथ नहीं लिखा जाता। ये भी देखना है, मैं कलम के जरिए से उसको मजीद वाजे करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह अच्छी कोशिश है। अल्लाहुम्मा ज़िद व बारिक। मिस आयशा ने भी भेजा है, अच्छा जी यहाँ आपने ये या का शोशा डाला है, ये ता का है, लेकिन ये उठान किसकी है, तो एक्स्ट्रा शोशा आपने डाल दिया। सीन में चार शोशे डल गए, मुतमईना यहाँ पर एक शोशा रह गया, यहाँ पर एक शोशा ज्यादा हो गया। यहाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, माशाल्लाह। हाँ ये ठीक है, इस तरह से ये भी ठीक है, यहाँ एक शोशा ज्यादा हो गया। मिस आयशा अब आपको लग रहा है कि आपने क्या क्या गलती की है? आपका नेट बहुत स्लो है, आपकी आवाज कट रही है। बहरहाल अच्छी कोशिश है, माशाल्लाह आपने अच्छा लिखा, खत अच्छा है आपका। अब जैसे दरमियान में गैप कम रह गए, यहाँ से ज्यादा फासला हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा जुड़ गया, यहाँ बहुत ज्यादा जुड़ गया, यहाँ फासला ज्यादा हो गया, और लाइन भी आपकी ऊपर जा रही है। मैं कलम के जरिए से अब इसकी वजाहत करता हूँ, अगर और किसी ने काम भेजा हो, काम किया हो, तो वो भी भेज सकते हैं। अब या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना, बीस का जाविया, 97 का जाविया, अलिफ इसके बराबर का नहीं होगा, अलिफ छोटा हो जाएगा। अय्यतु या और ये उठान है ताकि, या अय्यतु है
ये जो अलामत है जरूरिया होती है, ये भी इजलास में जाए। अय्यू, अब हमजा के ऊपर जबर है, अय्यू की आवाज आए तो हमजा के ऊपर जबर हमजा लगाएंगे, अलिफ के ऊपर हमजा लगाएंगे। अय्यू या अशद किसी लफ्ज के दरमियान में आए तो जरूरी शद लगती है, यानी किसी हर्फ के जुड़ने की वजह से नहीं। जैसे या अय्यतुहन नफ्सुल, अब अन नफ्स के साथ हन को जोड़ा तो हन के ऊपर, हन के जो नून, अन नफ्स के नून के ऊपर शद लगाना लाजमी नहीं है, क्योंकि पिछले हर्फ के जुड़ने की वजह से उस पर शद आ रही है। और अय्यू की शद जो है ना, वो उसकी अपनी शद है, असली शद है वो। अय्यू एक एक अलग लफ्ज है, नफ्स के ऊपर नफ्स लिखे तो उसके ऊपर शद नहीं आती, लेकिन अन नफ्स की वजह से शद आएगी। अब लाइन का भी ख्याल रखें, नेगेटिव स्पेसेस का भी ख्याल रखें। अब यहाँ खाली जगह थी ना, तो उसको ऊपर करने के लिए अलिफ मैंने ऊपर डाल दिया। अब ये होगा कि मुतमईन मेरा ठीक तरीके से आ जाएगा। ला उसके साथ ऐसे ही मीम टच करेंगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट नीचे मीम, उसके बाद हमजा का शोशा, उसके बाद नून का शोशा। इन्ना मुतमईन, हमजा नीचे आ जाए। ये देखिए, इर्जाई कौन सा मिल गया ज्यादा। दौत का शोशा और यहाँ का शोशा, तो यहाँ पे दो शोशे भी हैं। एक दौत का शोशा है, ये देखिए दौत का शोशा आता है, और एक या का शोशा है। वाह या, ये इसके साथ जौत जोड़ दिया तो ये या हो गया, या ये दौत का, ये या का।
वरना तो ज़ाद हा में ऐसे लिखा था आपने, ज़ाद हा वो तो ज़ाद हा हो जाता ना, या का है या ये। ठीक है बादी। नून ये ता, अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो इसमें ये करेंगे कि जब मैं लाइन खींच के लिखूंगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ अलिफ की अगर जगह यहाँ खाली खाली दिख रही है, अलिफ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे छोटा करके, आइए तो हाफ को और करीब कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि ये वाला हाँ। अब जैसे अन्नस को यहां से शुरू करें, यहाँ अलिफ आ जाए और इसको हम बशीर कर दें,
ये भी कर सकते हैं, सॉरी एरजेआई में ये वाला ऑप्शन है, इला में ये वाला ऑप्शन है, अलिफ को ऐसे करके इला। रब्बी की में दूसरा ऑप्शन ये है, राबियतन مطلية كتنا عبشان سنكل قيس ये कर सकते हैं, बात को लिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैसे इस वेरिएशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ जो चीज़ें पढ़ी थी वो उनकी दोहराई हो रही है, उनका रिवीजन हो रहा है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अब कंपोजिशन और अच्छी हो सकती है, और अच्छी हो सकती है। अब इसको जैसे आपने एक दफा लिखा, लेकिन आप देखते हैं कि गलती हो गई है, अब इसको मैं दोबारा लिखूं तो और गलती हो जाएगी, कोई और गलती हो जाएगी। मतलब ये मैं अगर लिखता हूं तो अब जैसे कि ये बहुत ज्यादा खुला खुला लग रहा है, नीचे नेगेटिव स्पेसेस, तो मैं समझा करीब करने के लिए या वगैरह छोटे करूं, हाँ वगैरह छोटे करूँ, तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि नया लिखूँ दोबारा, इसी की मैं करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए मैं लूँगा एक ट्रेसिंग पेपर, ये है ट्रेसिंग पेपर, ट्रांसपेरेंट होता है, ये मैंने इस पे रखा, ये मेरी पहली ट्राई थी ना, अब मैंने इसको जरा बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर दोबारा से इसको अच्छा करना है। आप इसको यहाँ चिपका भी सकते हैं टेप से ताकि हिले जुले ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको और अच्छा करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा तिरछा करता हूँ, जो गलती पीछे हुई है वो मैंने यहाँ नहीं करनी, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ किया, करीब किया इसको थोड़ा सा, और मैंने पेज को खिसका दिया यूँ, इसके करीब कर दिया, और यहाँ से कर दिया।
आके करीब हो जाते हैं, लेकिन रूल के अंदर रहते हुए। इसको ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने, अन्नफ्स को अब मैं यहाँ लेके आता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। बटर पेपर से, ट्रेसिंग पेपर से आप ये कर सकते हैं अपने ही काम की दुरुस्ती। इसी को हम आगे जाके फाइनल भी करेंगे, और ये मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे एक आर्ट पीस फाइनल किया जाता है। कोई सवाल आ रहे हैं आप लोगों के जहन में? ये होता है तरीक़ेकार किसी चीज को फाइनल करने का, अपनी कंपोजिशन को कैसे ज्यादा मेहनत किए बगैर। ये भी मेहनत है लेकिन डायरेक्ट लिखने से अब ये बेहतर है कि हम इसको खत को अब मजीद अच्छा भी कर रहे हैं, स्पेसेस भी हम कवर कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी संवार रहे हैं। अब ये देखें, इसको आप देखेंगे कैसा लगा है। अच्छा लगा? यस सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन है सर। तो ये तरीका होता है जिसे अब इसको मैं करता हूँ आगे कंटिन्यू। ये काम आपने लाइन ड्रॉ करके करना है, मैंने लाइन नहीं खींची, ये लाइन ड्रॉ करके ताकि आपके लफ्ज भी सीधे हो। यूनुस भाई को फायदा हो रहा होगा कैसे हम अगला ये जो प्रोसेस है ये आगे कैसे चलाएंगे। ये अब आपको आपका ये शुरू हो गया, लास्ट मंथ हम यही करेंगे। अब कंपोजिशन को कैसे हम फाइनल स्टेज तक लेके जाते हैं। सर आपकी कैलीग्राफी को देख के बहुत ज्यादा फायदा होता है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा यूनुस भाई, आपके यहाँ वहाँ बेंगलोर में कोई एग्जीबिशन हो रही है? जी सर, हो रही है सर। आप जाएंगे वहाँ? आप बोले तो मैं जाता हूँ। बिल्कुल आप जाएं, बहुत बड़े बड़े कैलीग्राफर्स आ रहे हैं टर्की से, ईरान से, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है सर, मैं है ना जाता हूँ, मैं अभी ये है ना टिकट बुक करा देता हूँ मैं। आपके आपकी छुट्टियां है ना, आप घर पे हैं? सर मेरी छुट्टियां नहीं है, मैं घर पे तो हूँ। मैं एक्चुअली फरवरी में 28 डेज में से 21 डेज ट्रैवलिंग कर रहा था मैं, और मैं यहाँ पर है ना, मैं हैदराबाद को 1 मार्च को ही आया मैं। ठीक है, हाँ बस वो आप कोशिश करें, वहां पर आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ, आपके जो क्वेश्चन वो भी, और वो वहां पर उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी और वर्कशॉप्स होंगी, तो उसको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जी जी आप जी अपनी प्रैक्टिस भी लेके जाइएगा, आप अपने सवालात भी लेके जाइएगा,
वहां जो है ना जी एक आ रहे हैं अफजलुद्दीन, अफजलुद्दीन किलिच, तो जी वो फिर उनको इंग्लिश भी आती है। वैसे आमतौर पर टर्किश को, टर्किश जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको इंग्लिश भी आती है तो आपकी उनसे अच्छी कॉन्वर्जेशन हो सकती है। जी सर, जी सर, मैं काम करता हूँ। मैं कल ये है ना कैलीग्राफी वो स्टार्ट हो रहा है, मैं परसों की टिकट बुक कराता हूँ मैं। हाँ आप जरूर जाइएगा और बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जी सर, जी सर, अच्छा ये देखिए जी, ये हम अब जैसे कि मैंने लाइन में खींची थी तो मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन अब देखिए रिथम में आ रहा हूँ। यहाँ इसकी फितरी जो है ना खला है, फितरी खला है यानी नेचुरली यहाँ पर खला बाकी रह गया है, तो इसको कवर कर ले। इसको कवर करने का भी एक तरीका है कि इसको मैं कैसे कवर करूं, तो आप लोगों के आप लोगों को कुछ आइडिया है इसको मैं कैसे कवर करूंगा? सर आराम से एराब तो आते नहीं है, एराब के बगैर। अलिफ ऊपर करूंगा तो फिर मैम। और ये जगह खाली रह जाएगी, अलिफ ऊपर करूंगा तो। अब देखिए मैं इसी को बेहतर करूंगा। अब कैसे बेहतर करूंगा जरा देखिएगा, ये आप लोगों का सीखने का प्रोसेस ये शुरू हुआ चाहता है। ये आज के जो आखिरी आखिरी क्लासेस होंगे ना, ये आप लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम करते हैं लेकिन उसको कैसे फाइनल हद तक पहुंचाएं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसी आयत को लेता हूँ खाली, बाकी मजमून तो थोड़ा लंबा है, तो इसी को मैं देखें। कॉम्पोजिशन सेट करते वक्त, यानी कॉम्पोजिशन का मुराद क्या है, कॉम्पोजिशन से क्या क्या मतलब है, गर्ज क्या है कि आपकी जो आपके अल्फाज हैं वो अच्छे लगे। अब अच्छा लगने के लिए आपको फिर रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, और रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ चीज करेंगे क्यों करेंगे, इसलिए कि अच्छा लगे। अच्छा लगना भी एक रूल है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं। मैंने ये किया, ये किया, ये, और इसको मैंने इसे छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। अब क्या किया, या आइए तू नफ्स, छोटा कर, ठीक हो गया। और मेरा ये पैक हो गया सारा मजमून, करीब करीब हो गया। ये देखिए बार बार मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है। सारा ही ऐसे लिखेंगे।
अगर आप लग रहा है कि ये भी खाली जगह है तो इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर कर दूंगा, फिर मर्जी या नीचे आ जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास है। फिर आपने जब दूसरी लाइन लिखनी होती है, एक लाइन और दो दूसरी लाइन के दरमियान कितना गैप होना चाहिए? एक दो तीन नुक्तों का, तीन अलिफ का, यानी 9 नुक्तों का। ठीक है, आपके ऊपर वाले अल्फाज भी, जैसे अगर मीम आ जाता है वो नटक रहा है, ये लफ्ज कोई ऊपर चला जाता है तो वो उससे नटक रहा है, तो क्लैश ना हो दोनों का, इस वजह से 6 नुक्तों का 9 नुक्तों का गैप रखते। और अगर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, आप 6 नुक्तों का भी रख सकते हैं, लेकिन 9 नुक्ते ये अच्छा फासला है। फतहोली, मैंने इसको ऊपर कर दिया। फी हाँ, मैंने गैप नहीं रखा है इसमें, जानबूझ के गैप रख सकते हैं आप। ये देखें कितना जबरदस्त हो गया ये। अब इसको कैसे फाइनल करूँ, इसकी सेटिंग अच्छी हो, अब यहाँ से गैप ज्यादा है, यहाँ से गैप कम है, नेक्स्ट जब मैं इसको, ये मेरी जो है ना थर्ड अटेम्प्ट है मिसाल के तौर पर, तीसरा कालब इसे कहते हैं, तीसरा कालब, पहला लिखा पहले से, फिर मैंने दूसरा ट्रेस किया, वो दूसरा कालब, ये तीसरा कालब, कल्ब से है फिरना, कल्ब का माना फिरना, चेंज होना, तो ये एक से दूसरा चेंज किया, दूसरे से तीसरा चेंज किया, तो इस तरह से ये तीसरा कालब हो गया। इस तरह मैं 10 भी बना सकता हूँ, 5 में भी मेरी तरकीब फाइनल हो सकती है। असातिज़ा कोई कंपोजिशन फाइनल फाइनल नहीं होती तो उसको 20, 30, 40 दफ़ा भी लिखते हैं, तो ऐसा भी होता है। अब ये इसको मैं फाइनल करूंगा इंशाल्लाह, अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस आगे कैसे जारी रखना है। इसी को हम लेंगे, इसको हम या फिर कोई और आयत उसकी कॉम्पोजिशन, जैसे इसको यहाँ और यहाँ आना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए ताकि ये और ये बराबर हो। ये भी सिखाना है आपको, साइन कैसे करने हैं, क्या लिखना है उसके साथ साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको बतानी है आखिरी आखिरी क्लासेस में। अब ये 8 क्लासेस हैं हमारी, अब 7 रह गई हैं, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा काम पेश करें। अगला टास्क क्या दूं आप लोगों को, क्या कंपोज करके लाएंगे आप नेक्स्ट क्लास तक? आप लोगों ने सूरतुल आसर, सूरतुल आसर कंपोज करके लानी है। वल आसरी इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। ठीक है, फिर हम उसकी कंपोजिशन करेंगे, वो अच्छी कंपोज हो जाएगी तो हम उसको फिर
फाइनल करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए काफी है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।